यहाँ पे हमारे एक व्यूअर हैं भाई की गेमिंग, तो इनका सवाल है सर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल से 12 महीने से ज़्यादा जब आप इक्विटी को होल्ड करके रखते हो, म्यूचुअल फंड मतलब हो या स्टॉक हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रिडीम करने पर होगा या इन्वेस्टेड गेन पर हर साल देना होगा बिना रिडीम किए हुए? देखो, यही तो समझने की बात है। जैसे ये तो मैं एक पहले आंसर दे देता हूँ कि LTCG रिडीम करने पे ही लगेगा, जब तक वो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है 1 रुपया आपको टैक्स नहीं देना। जब आप उसको विड्रॉ करोगे, रिडीम करोगे, तभी आपको, जब आप ITR फाइल करते हो उस टाइम पे आपको देना पड़ता है। तो एक मैं यहाँ पे आपको एक क्या कह सकते हैं उसको, बोनस पॉइंट या बोनस टिप मैं बता रहा हूँ, वो समझ लो कि जैसे अभी अभी आज आपने इन्वेस्ट किया, अगले 1 साल में आपका प्रॉफिट हो गया, समझो जितना पैसा इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप 2 लाख रुपये वहाँ पे निकाल लेते हो, काम आपको नहीं, फिर भी आप 2 लाख रुपये निकाल लेते हो और उसको खर्च कर देते हो या फिर कुछ भी करते हो, लेकिन 2 लाख रुपये आपने निकाल लिए, तो 2 लाख जब आपने निकाले 12 महीने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, तो 2 लाख में से 1 लाख आपका फ्री हो गया और जो 1 लाख बचा उस पर वो आपका 10,000 रुपये उस पर टैक्स हो गया 10% के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उस 2 लाख रुपये को अगर रहने देते हो इन्वेस्टेड, तो आपको उस साल टैक्स नहीं देना पड़ता है और जो 10,000 रुपये वो जो टैक्स आप दे देते, वो 10,000 रुपये इन्वेस्टेड ही रहेंगे और समझो वो टैक्स जो आप पैसे दे देते, वो टैक्स के पैसा आप वापस से आपको इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में, क्योंकि इन्वेस्टेड ही है, आपने रिडीम किया नहीं है, तो वो और कंपाउंड होगा। फिर अगले साल वो उस पर भी आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो, मतलब आप समझो टैक्स की मनी पे रिटर्न जनरेट कर रहे हो। कितना ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपने अभी इन्वेस्ट किया, अगले साल अगर आप विड्रॉ करते तो आपको टैक्स दे देना पड़ता सरकार को, लेकिन आपने विड्रॉ नहीं किया इसलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ा और जो पैसा वो टैक्स वाला था वो इन्वेस्टेड ही है और उस पर भी आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक और मैं यहाँ पे प्रो पॉइंट या प्रो बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ अगर आपको समझ में आए। जैसे अभी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर अगले साल आपका प्रॉफिट मानो 90,000 LTCG हो रहा है, तो आप उसको क्या करो, एग्जिट कर दो, बुक कर लो और फिर से इन्वेस्ट कर दो वहीं पे जितना था उतना ही। मतलब कुछ नहीं करना, बस एग्जिट करना है, वापस एंट्री करना है, अभी एग्जिट किया और अभी एंट्री कर लो। इससे क्या होगा, जिस रेट पे आपने एग्जिट किया है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की जो NAV है, उसी रेट पे आपने एग्जिट किया और उसी रेट पे आपको आपने वापस एंट्री भी कर ली। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो 80,000 प्रॉफिट जो अभी था वो बुक हो गया, वो आपका LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, अब वो क्या हो गया, फ्री हो गया, अब उस पर आपको टैक्स देना नहीं है और वापस से आपने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया। तो आपकी जो कंपाउंडिंग है उसमें कोई अंतर नहीं है, आपका पैसा इन्वेस्टेड भी है लेकिन वो 80,000 टैक्स फ्री हो गया। कैसे हो गया, अभी देखो जब इस पैसे पे अगले साल फिर से मान लो 90,000 गेन हो जाता है, 90,000 का लॉन्ग टर्म गेन हो जाता है आपका अगले साल, तो अगले साल भी आप उसको वापस एग्जिट करो और फिर वापस इन्वेस्ट कर दो, तो फिर वो 90,000 आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो 2 साल पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे और 80,000 पहले गेन हुआ जिसको आपने एग्जिट किया फिर इन किया, अगर वो एग्जिट इन नहीं करते, तो इस साल का 80,000 और अगले साल का 90,000 मिलके कितना हो जाता, 1,70,000। और इस 1,70,000 पे आपको अगर 2 साल बाद सीधा, बीच में आपने 2 साल में 2 बारी एग्जिट और इन किया, अगर ये एग्जिट और इन नहीं करते, अगर सीधा 2 साल बाद विड्रॉ करते, तो आपका 1,70,000 का प्रॉफिट हो गया। अब 1 लाख तो फ्री हो गया लेकिन 70,000 पे आपको 7,000 का टैक्स लग जाता है। तो ये प्रॉफिट, ये फायदा आप उठा सकते हो जो रूल्स है उसका। और ऐसे करके आप हर साल ऐसे कर सकते हैं कि जिस भी साल आपको प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख तक का अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको बेच दो और फिर वापस खरीदो, फिर अगले साल 1 लाख तक का प्रॉफिट हो रहा है फिर बेच दो फिर वापस खरीदो, फिर 1 साल 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है अगले साल बेच दो खरीद दो। तो ऐसे में जो वो 1 लाख का जो LTCG पे एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलती है, वो आपका हर साल यूज होते रहेगा और हर साल वो पैसा आपका टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री होते जाएगा। लेकिन अगर एक बार ही आपका समझो 10 साल बाद वो पैसा निकालते हो
10 साल बाद सीधा विड्रॉ करते हो, हर साल आपका एक 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 लाख का प्रॉफिट होता गया। अगर हर साल आपने बेचा खरीदा होता तो वो टैक्स फ्री हो जाता, लेकिन सीधा 10 साल बाद बेच रहे हो और 10 लाख का आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे आपको 1 लाख फ्री हो जाएगा। 9 लाख पे आपको टैक्स लगेगा 10%, जो कि होता है 90,000। तो हर साल अगर आप बेच खरीद कर लेते तो आपको 90,000 रुपये वहाँ पे फ्री हो जाते हैं, टैक्स फ्री हो जाते हैं, 90,000 आपको सरकार को नहीं देने पड़ते। तो ऐसे आप टैक्स बचा सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।